आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रावण के पहले दिन मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव से लोक कल्याण की कामना। कोटेदारों को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का हुआ आदान प्रदान। कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की भी मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कहा, उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है सरकार। प्राचीन मानसरोवर शिव मंदिर व रामलीला मैदान के पर्यटन विकास कार्यों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। कहा, विरासत को नुकसान पहुंचाने वालों पर कराएं कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी के प्रयासों से यूपी का टूरिस्ट कैपिटल बन रहा है गोरखपुर। रामगढ़ताल में कियोकिंग करने के बाद बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। कहा, लग रहा है मुंबई में हूँ, कभी गिरती थी शहर की गंदगी, आज रामगढ़ताल की खूबसूरती निहारने दूर दूर से आते हैं लोग। नाबालिग के अपहरण के आरोप में एक वांछित अभियुक्त विजय निषाद उर्फ रोहन को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 14 जुलाई से सावन का महीना हुआ शुरू। भगवान शिव के भक्त पूरे महीने करेंगे उनकी पूजा। सावन में रुद्राभिषेक का है बहुत बड़ा महत्व। मानसरोवर मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों की मनोकामना को भगवान शिव करते हैं पूर्ण।